येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः जो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, संपूर्ण सौरजगत एवं काहाकु केउठी केउ अक्षपथरे कक्षपथरे रखिले समग्र सृष्टिर कल्याण हब, ये समस्त श्रृंखलित भावरे निर्माण करिथिबा हे प्रभु आपण संपूर्ण जगत मानवर कल्याण पई अर्पण करिछन्ति। मनुष्य जते दिन पर्यंत प्रकृति सहित संपर्क रखिबो, आपणकर नियम को मानिबो, से सुखरे शांतिरे कालातिपात करिबो, आपणक अभ्रांत नियम को अतिक्रमण कले जीवन रे दुख पाइबो। हे प्रभु, आपणकर नियम को मानिबा को मते समर्थ करंतु, एतिक आशीर्वाद दियंतु, एतिक प्रार्थना करूछि प्रभु। बालक मोर बोल कर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करूक। लोक अच्छा दुख देखिले जंत्रणा देखिले खुशी हूँ, अनेक लोक अच्छा सामान्य दुख जंत्रणा देखिले निज आखिरी लुह गड़ी पड़े, कष्ट अनुभव करती, दुख अनुभव देखी थी बाबा तुम सांगर कि रोग वैराग हेले, अनेक लोक कहते सांगटा रोग में पड़ी मन लगुना, एमती अनेक कथा कहते अनेक लोक सांगसाथी रोग पड़े कि चिंतन करते निज कथा निजे करती, बहु व्यक्ति एम्रियमाण हूँ। से भाई संवेदनशील व्यक्ति समाज में जिते अधिक हे आप लक्ष्य करेंगे देखिए समाज में गोटे भ्रातृत्व भाव बढ़ निज निज भर गोटे भल संपर्क अधिक मात्रा बढ़ गोटे सुंदर उदाहरण। युद्ध क्षेत्र में युद्ध करुवा जन सैनिक केवल सैनिक नुहे, अनेक सैनिक मान मुख्य सुबेदार कहती किंवा सैन्य परिचालक कहती सेनापति नुहे, गोटाए गोष्ठी सैन्य मानक परिचालन करार जहाँ पाखे दक्षता अच्छे पड़ोसी राज्य सहित राज्यर प्रबल युद्ध युद्ध अनेक सैन्य मृताहत है केतबले से सैन्य मैंने ये राज्य को आक्रमण करने को किसी बाट आगे आसला पड़े ए राज्यर राजा सैन्य मानक नहीं आक्रमण करश्चात पछक नहीं जाए, एमती दीर्घ दिन गोटे युद्ध चलला। दीर्घ दिन युद्ध चलला जो सुबेदार जो सैन्य परिचालन करथिया व्यक्ति सामने अधीन सैन्य माने अनेक सैन्य को मृताहत कले, निज गोष्ठी भितर 10-15 जन मरीगले एटा ठीक, किंतु जो 5-10 जन अवशिष्ट सैन्य थिले राज्य जय करिया पूर्वरु सेमाने देखिले जे केवल युद्ध भूमि रे केवल मुंड गंडी अलग हाई पड़ी, रक्तर धारा कौठी गंध दुर्गंध होची, सब उठेबा को समय समय मिलिनी। ए जो चित्र को देखिला परे जदियो सैन्य विभाग रे चाकरी करिछि, जदिओ मारिबा मरिबा तार काम सैन्य जोड़िए काम मारिबो नले मरिबो, मरिले शहीद हेबो, जदि मारि परला ताले राज्यर जय हेबो, किंतु पलायन करिबा कौनसी सैन्यर धर्म नुहे, युद्ध क्षेत्र पछघुंचा दबा कौनसी सैन्यर केबे कौनसी तार व्रत नुहे बा तार लक्षण नुहे। तेणु से चेष्टा कर जिते सबू ये सैन्य मान देखला ता भितर गोटे भावांतर सृष्टि आखिर धार धार लुह गड़ा, से कहला मु गोटे लोक किसी सैन्य मान मो अधीन अच्छा से मानकर सहायतार एत लोक मारिदेली, केवल एत लोक मारिदेली ता नुहे, यही मरी सैन्य मान पर मु अनाथ करदेली, केते पुत्र माने तांकर पिता को देखा इच्छा करुथिबे से आउ देखिपारे ना, केते पत्नी माने तांकर पति सहित मिसिबा को इच्छा करुथिबे से मानको मध्ये मु विधवा कर देली, केते माँ माने तांको पुत्र स्नेहरु वंचित हेले कौन करिवे, किंतु सैन्य धर्म तो मते पालन करिवाक पड़िबो। सब कथा सरला परे युद्ध रे जय सेना कले किंतु निजर पराजय हेगला विचार रो पराजय हे, जो शक्ति सामर्थ्य नहीं सैन्य परिचालना करिवार जाउथिले ए जो करुणा दया भावना तांको भितरे जेमिति गोटे विचित्र भावना सृष्टि कला, से फेरी आसी राजांक पाखरे निजकु आत्मसमर्पण कला भली कहिले, कहले महाराज
मते दयाकर किसी दिन छुट्टी दिंतु मुझे सैन्य विभाग में रही कार्य कला भाई मानसिकता ना मत कि दिन विश्राम करने दिंतु मु ये कार्य विरत हो पुणी मोर मस्तिष्क ठीक है युद्ध करने भरी मानसिकता रखी आसे मुझे आप निकट को आसवि तार वीरत्व में राजा खुशी थे तेणु पुरस्कार देवा कथा कथा पुरस्कार स्वरूप दवा भितर कहले ठीक अच्छे तुम्हें जी कि दिन छुट्टी नाक चाहू अवकाश रही निजर पर सहित रही चाहू मुझे तुमको छुट्टी देदेली आसने परिवार भितर रही मध्यो, ना स्त्री पिता माता पुत्र कन्या पाखे भल रही पारे ना बारंबार बारंबार तक भितर चिंतन है मुझे कौन कली कौन कली भावली भावांतर है से चिंतन कले आम ग्रामर सीमार जड़े अत्यंत महात्मा अच्छा जे बहुत लोक परिवर्तन कर भावुची मोर मस्तिष्क परिवर्तन पर निकट को जवा उचित ये सैनिकटी जा निजर पिला पिला कहीदेला क्या देख मु किछि दिन पई राजा ठार अल्प दिन पई छुट्टी नहीं आसती किंतु मु शांति रे रही पारु नाही ना माँ बापा पाखे बस कथा पार ना पत्नी पाखे कथा पार ना पुत्र कन्या मान कथा पार मुझे जे सन्यासी मां पाखे किछि दिन रहिले मोर जदि मस्तिष्क परिवर्तन हबो ताले मु गृह को प्रत्यावर्तन करी राजा निकट को चाकरी करिया को जीवि वर्तमान परिवार चलिया आम अर्थर किसी अभाव ना पर चलिया जी निहाती अर्थ आवश्यक ता घरे संचित अवस्था अच्छे वर्तमान चार छः मस जदि मु गुरु पाखे रही जाए महात्मा पाखे रही जाए ताहले मोर विश्वास परिवार लोक केबे उपवास रहिबे नाही परिवार लोक कष्ट पाइबे नाही पत्नी पुत्र देखिले माँ भी चिंतन कले ये तो रही के अशांति रहू जदि गुरु पाखे जाए कौन साधु सन्त पाखे जाए परिवर्तन हो पार ताल हूँ तो मस्तिष्क परिवर्तन हो समस्त अनुमति नहीं से आसिले गुरु पाखे गुरु को जाए दर्शन कले प्रणाम कले जमी औपचारिक भाव में प्रणाम करने कथा ठीक प्रणाम कले कारण आम कौन से साधु सन्त विद्वान निकट को गले प्रथम बड़ कथा हूँ प्रणाम करने दरकार कहीं आम आपण पाखे समर्पित होगा आसर्पण कर सारापर गुरु पचारे भोजन अन्न्य कथा सरला गुरु पचारे कह बापा कौन पर मो पाक आस ना मुझे परिस्थिति रे युद्ध क्षेत्र में अनेक सैन्य मान मृत सैन्य मान देखि रक्तर नदी भाया जाऊ बही जाऊ देखि मुझे युद्ध करने को मो हृदय कौन हो गला मो पागल भली प्राय बर्तन पर्यटन निजी स्थिर कर पारे मुझे चिंतन करस्त्र त्याग करी या कहीकि अस्त्र को गुरु पाद तले दे प्रणाम कर कहले गुरुदेव मुझे अस्त्र त्याग कली आउ जीवन में अस्त्र धरवि ना अस्त्र धरले सीना अन्न को आघात देवी मुझे अस्त्र धरवि नहीं कि अन्न को आघात देवी गुरुदेव कथा बुझीपारे परिपक्व लोक जमी पाठ पढ़ी सेमती जीवन में व्यवहार भी कर ता भीतर भावांतर को लक्ष्य कले भावांतर को लक्ष्य करी कहिले कहले बाबा तुम्हें जदि परिवर्तन होबा को चाहुचो केवल अस्त्रटा को छाड़ी देले हबनी अस्त्र कहीं छाड़ुचो अस्त्र पाखरे रख अस्त्र को छाड़ी देले अस्त्र धरिवार विद्या तुम्हें छाड़ी देखि तुम चिंतन छाड़ देचो ता नुहे अस्त्र तो पाखरे थाउ देख तुम्हें सीना मनीष को मारिदेवा द्वारा किसी कष्ट तुम अनुभव करमें जो यही आश्रम रमें तो वण को जीवना काष्ठ संग्रह करवा बण अत्यंत सुंदर सुंदर फल पनीपरिया एक सब जहाँ जहाँ तामें सब आने तुम्हें जीवना नहीं ना ना कौन से वन्यजंतु आक्रमण कला बेल सुरक्षा हम कमी पाइब कम तुम अस्त्र था अस्त्रटा रखिले असल परीक्षा अस्त्रटा छाड़ीदे बड़ परीक्षा नुहे बहु लोग भावती मुझु क्रोध छाड़ीदेली मुठार मिछ कह छाड़ीदेली से कहे से कथा बड़ कथा नुहे लोके तुमको रागिला भली कथा कहिबे लोके तुमको उत्तेजित करने कथा कहिबे कि तुम रागिबो नाही ताले सेठी परीक्षार सृष्टि हुए परीक्षार आम उत्तीर्ण हूँ गुरु से चाहूले कहले तुम्हें अस्त्र पाखरे रख अस्त्र पाखरे रखी भ्रमण कर अस्त्र प्रयोग तुम्हें करा यहीटा को संकल्प दिए पुणी एक परीक्षा भितर पड़े कह ठीक अच्छे गुरुदेव आपड़ जदि कहते मुझे एकमत
सही अस्त्र को सांगरे रखिले किंतु अस्त्र को छाड़ी देवार एक चिंतन समस्त पाखे प्रकाश हो गला से बर्तन अस्त्र छाड़ी युद्ध विद्या सैन्य विभाग गले सैन्य विभाग गलापर बर्तमान से आ हिंसा कम करे ना अस्त्र प्रयोग करे ना लोक मारे ना एक गोटे प्रचार हो गला ये प्रचार हवापर जो मैंने भय करूर युद्ध विद्यार जो मैंने सम्मुखीन हबार शक्ति सामर्थ्य नाला से मैंने बड़ा आनंदित हो गले क्या गोटे बलशाड़ी लोक जो नीरव हो जाए आप देखिए बलशाड़ी लोकटा नीरव हो गला अने कि लोक आनंद होती कहीं आमको सम्मुखीन हाँ पड़े कितु बाहर एकांतर जो गुरुदेव सेवा करती अन्न बण फलमूल आयती पाखाख गाँव में जा विभिन्न प्रकार रक्षा करती अन्न काम भी करती केवल तो आश्रम रू ना राज्यर जो सैन्य मान मारी सैन्य मान दलपति जड़े थी से मन मन खोजुला मोर अधीन शत शह शह सैनिक को मारी से व्यक्ति ने जी मोर के हावड़े पड़े मुझे सही ही निशेष कर प्रतिज्ञा किंतु करमती सुजोग भी मिलूनी सुजोग मिलने सीना जन जन को हत्या कर कितु ये भितर भ्रमण करवा भितर भ्रमण करवा विभिन्न प्रकार बणर फलमूल खाइबा अधिक फलमूल हेले गुरु निकट में अर्पण करवा संध्यारे प्रत्यावर्तन कर आश्रम रहा आश्रम गुरु सेवा करवा विभिन्न प्रकार आश्रम जहाँ जहाँ कार्य अच्छी निजे जी समर्थ कम करवा यह सब कम कर धीरे 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 से मन भितर क्रोध भावना दूरेगला अन्न को देखला मैंने जमी हत्या करार जो प्रवृत्ति थी से प्रवृत्ति धीरे धीरे भितर नष्ट कारण से सुजोग मिलूनी मनीष परिस्थितर दास बेले बेले जाए परिस्थित आसुनी कि गुरु अस्त्र देते कौनपी कह परिस्थिति आसवा सत्वे तुम अस्त्र प्रयोग करना ये तुमको मुझे अस्त्र देमती अनेक बुलू बुलू से राज्य लोक मैंने जो मैंने शत्रु थे से बुझीगले या अवस्था अस्त्र प्रयोग करूना से मैंने प्रतिज्ञा कले तुमको मार मारिदे सुविधा हम कहे यही समय जदि आम बर्तमान आक्रमण करवा से तो अस्त्र धरिया पे मना कर अस्त्र धरिया पे जेहेतु मना कर तेणु बर्तन आक्रमण करवा आघात देवा मारिदे सुविधा हम असुविधा कौन हम बर्तन यहीटा को सुविधा समय यहीपने सुजोग खोजुं कौन सुजोग मिले किपर भाव आक्रमण करें ये निर्विघ्न निश्चिंत भाव में बणरे बुलूं बणरे जो काष्ठ दरकार से काष्ठ को संग्रह करी निजे कांधरे पकी आनी गुरु निकट में पहुँचा बणरु तैयारी जो खाद्य पदार्थ खाइबा द्वारा माने आश्रम जो समस्त गुरु एवं शिष्य माने भोजन करती आनी संग्रह करके दौरान एमती संग्रह करके निश्चिंत कारण निज भितर जेहेतु क्रोध ना से अन्न भितर कहीं भय करे तेणु निर्भय जमी शास्त्र में लेखाई अहिंसा प्रतिष्ठायांग वैरत्याग आपण अहिंसा मार्ग को जातु वैरत्याग हो भाविक बुलूँ ये बुलला भितर तर जो पुरतन शत्रु दिने सम्मुखें पड़गले शत्रु सम्मुखें देखला दीर्घ दिन शत्रु तर समस्त प्रकार सैन्य मान हत्या करते सैन्य विभाग थे भितर क्रोध जमाट बांधि बहु समय बहु दिन सुजोग खोजुले हेले सुजोग मिलूनथिला आज सम्मुखें सुजोग मिली संगे संगे अस्त्र उठे पाखे जो अस्त्र थिला अस्त्र उठे आघात करने दौड़ी आसे ये तो अस्त्र प्रयोग करे ना ये तो अस्त्र जो प्रयोग करे ना ये करण ठिया कहे भाई देख मुतने सैन्य विभाग में थी मुझे पद पदवी दृष्टिकोण से तुमको आघात दे व्यक्तिगत भाव में क्या मारे ना किंतु मु गोटे राज्यर जेहेतु सेनाध्यक्ष दायित्व किसी सैन्य मान कमांडर दायित्व थी तुम मान सत्य युद्ध करुद्ध कर मरी तेना तुम से रागटा बुझापी मत व्यक्तिगत भाव राग कर तुमरी आमर अनेक सैन्य मिले आम राजा पराजित हेले तुम युद्ध विद्यार सेमती आमर ये पराजय है यदि तुम्हें न बंची रज्य के जय करे ना तुमको मारे मोर एकांत काम मुझे प्रतिज्ञा कर मारे कह भाई जी मार अच्छी मार बारंबार आघात सत्वे आघात दौरान किंतु अस्त्र प्रयोग करना बारंबार आघात देलापर जिते से सैन्य जो परिचालक बुझिले जे ये बर्तमान कर्म कर तत्पर नहांती कर्म कर सक्षम नहांती मु जो आघात देची
ଇଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଥା ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ, ଇଏ ସୈନ୍ୟର କ'ଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ? ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗୁରୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଆଶଙ୍କିତ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଯାଉଛି ସିନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ। କହିଲେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା କି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି? ମନରେ ଆଶଙ୍କା, ଏଇ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବୁଲିଲେ, ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାକୁ ପାଇଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଏମିତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇ ଚଳତ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହୋଇ ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁରୁଣା ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଣା ଦିନର ଶତ୍ରୁ, ବନ୍ଧୁ ତ ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ପୁରୁଣା ଦିନର ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ କିଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି। ଆମର ସୈନ୍ୟ ତା ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରି ଯେମିତି କାଟିଦେଲେ, ସେ ପୁରୁଣା କାଳର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଧର ସେଇ ଦିନରୁ ତାର କିଛି କ୍ରୋଧ ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ସେ କ୍ରୋଧର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗଟା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିଲେ, ସେ ତାକୁ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେନି, ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଆଘାତ କରିଗଲେ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି ସିନା ହୁଏତ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଜୟ ପରାଜୟର ଶଙ୍କା ଆସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମନା କଲି, ମୁଁ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଲୋକର ହୃଦୟରେ କରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଅନେକ ଆଘାତ ଦେଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ ଆଶ୍ରମକୁ। ଯାହା ଉପଚାର କରାଯାଇପାରେ ସେଇ ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଗଲେ ଉପଚାର କରିବାରେ। ଉପଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ ବାବୁ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ମୋର ପାଦ ତଳେ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଦେଇ କହିଥିଲ ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦିନେ ଧରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧର ନା, ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର, ଏବଂ ବଣରୁ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବଣକୁ ଶିକାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଶିକାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଥିଲା, ଶିକାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୃଗ ଆଦି ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ମରିଯିବେ, ସେ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସିଂହ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ମୃଗମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କଲନି? ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ହିଂସା, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ହେଉଛି ହିଂସା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ତାକୁ ହିଂସା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଛି ହିଂସା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ସୁରକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ତୁମର ଉଚିତ ନଥିଲା? ତୁମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ନ କରି ଅସ୍ତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଅସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ମାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲ, ସେଥିରେ ଆଜି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲ, କାରଣ ତୁମେ କହିଥିଲ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବନି, ଉଠାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦଳନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦଳର ନ ହେବ, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପାଳନ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ,
दुष्कृत मानकर विनाश न कले साधु मानकर परित्राण हो पारना तुम्हें जदि दुष्ट मानक दलन करनी भल लोकटा भल रे किंतु अस्त्र प्रयोग करना से उत्तीर्ण हो गला। शिष्यटी गुरु पाखे पहुँची कहले गुरुदेव आपण मत जो शिक्षा देते मुझे ठीक से प्रयोग कर भाविली कितु आप जो उद्देश्य देते मुझे प्रयोग करना भविष्य में एक प्रयोग करी किंतु अस्त्र को केवे निजर स्वार्थपाई प्रयोग करी ना। गुरु खुशी हेले कहले तुम भितर से करुणार भावना सृष्टि ये जथेष्ट मनुष्य मान जगतर कल्याण कर प्राणी मान रक्षा कर देख ये सृष्टि सुंदर हो विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुचु। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करवा प्रत्येक मनुष्य भितर दुष्ट शक्ति और शिष्ट शक्ति कार्य करे। दुष्ट शक्तिर विनाश कर दियो किंतु दुष्ट को विनाश कर ना। दुष्ट शक्ति को विनाश कले दुष्ट शक्तिर आउ उत्थान हो ना से मनीष भल मनीषे परिणत हो। आसतु आम रोगर विनाश करवा रोगी को नुहे यहाद्वारा समाज सुस्थ हो पार ये विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुचु। समस्त नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।